आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती शक्ति की जमकर तारीफ हो रही है। जापान की एक मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है, साथ ही भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आएगा। मोदी सरकार के कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी और कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है, मिलेगी 6 लाख नौकरियां। भारत में भी जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन की होगी शुरुआत। भारत में अब जल्द ही चीन और जर्मनी की तरह हाइड्रोजन ट्रेनें चलने वाली हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साल के अंत तक देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। रेलवे दिसंबर तक अपने नैरो गेज धरोहर मार्गों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करेगा। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की निगरानी और इलाज के लिए उन्हें चेस्ट मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए कंझावाला सड़क हादसे में मृतका अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। उसकी खोपड़ी खुली पाई गई, पसलियां टूटी हुई थी, ब्रेन मैटर भी गायब था। 40 चोटों ने बताई अंजलि के साथ हुए भयावह हादसे की दास्तान। रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बसा ली गफूर बस्ती, अब अतिक्रमण हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में हजारों लोगों का विरोध जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत को इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट किया गया है। BCCI की टीम की निगरानी में अब पंत का इलाज मुंबई में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में होने जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जिसे लेकर मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव के पुश्तैनी घर पर कुछ उपद्रवियों ने आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ करी। इस घटना पर पूर्व CM बिप्लब देव ने बताया कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कुछ समय बाद कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने वहां पर हमला कर दिया। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के ग्वादर में विरोध से वहां चल रही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए संकट खड़ा हो गया है। बलूच लोगों के विरोध के कारण यहां लगभग कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने की लगातार कोशिश कर रहा है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।